नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं सोनाली हूँ। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। हमारे आज के सेगमेंट का नाम भारत टॉकीज है। हम यहाँ बात करते हैं गैर हिंदी सिनेमा और उससे जुड़ी शख्सियतों की। आज बात करेंगे एक क्वीन की। नहीं, वो खुद को क्वीन खुद नहीं बुलाती हैं, बल्कि ऑडियंस उन्हें साउथ इंडियन सिनेमा की क्वीन बुलाते हैं, इंडियन सिनेमा की लेडी सुपरस्टार, हाईएस्ट पेड इंडियन एक्ट्रेस में से एक है, जिन्हें ग्लैमरस गर्ल से महारानी बनने में कोई मुश्किल नहीं हुई। हर अवतार बड़ी आसानी से डॉन कर लेती हैं, जिन्हें हमने बाहुबली की देवसेना से पहले एक और बड़ी फिल्म में देखा था, जिसका हिंदी डब टेलीकास्ट टीवी पर कितनी बार घिस चुका है। हम बात करेंगे अनुष्का शेट्टी की। तेलुगु सिनेमा की वो स्वीटी जो रियल लाइफ में खुद को बड़ा बोरिंग मानती है। जानेंगे अनुष्का की लाइफ और करियर से जुड़े कुछ किस्से, साथ ही आपको बताएंगे उनकी कुछ आउटस्टैंडिंग फिल्मों के बारे में। शुरू करने से पहले बता दें, आपके लिए तमाम जानकारी जुटा लाए हैं हमारे साथी यमन। 7 नवंबर 1981 को मैंगलोर के एक कंजर्वेटिव फैमिली में स्वीटी शेट्टी का जन्म हुआ। स्वीटी से अनुष्का बनने की कहानी तो काफी लेट शुरू हुई और शायद कभी हो भी ना पाती, क्योंकि बचपन से ही स्वीटी को फिल्मों में कोई शौक नहीं था, मतलब लगाव नहीं था। वो एक शांत और शर्मीली किस्म की लड़की थी, जिसे टीवी देखने जैसे काम बोर करते थे। सीधे साधे तरीके से रहने वाली इस लड़की ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद माउंट कार्मेल कॉलेज में एडमिशन लिया, वो कॉलेज जिसके एलुमनाई अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण भी रह चुके हैं। स्वीटी के खानदान में ज्यादातर लोग इंजीनियर और डॉक्टर हैं, उनके पिता भी एक इंजीनियर हैं। घर वालों को उम्मीद थी कि स्वीटी भी इंजीनियरिंग या उससे जुड़ा ही कुछ ऑप्शन ले लेंगी, ऑप्ट करेंगी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद स्वीटी ने जो चुना उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने फुल टाइम योगा टीचर बनने का फैसला लिया। उनके ऐसा करने के पीछे की वजह भी कॉलेज से जुड़ी है। वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, जिस दौरान उन्हें एक योगा एंड मेडिटेशन वर्कशॉप के बारे में पता चला। उन्होंने वो वर्कशॉप अटेंड की, जहां उनकी मुलाकात योग इंस्ट्रक्टर भरत ठाकुर से हुई। वर्कशॉप में स्वीटी के लिए कुछ बदल गया, उनकी योग में एक नई जिज्ञासा जाग गई। नतीजतन उन्होंने भरत ठाकुर से योग सीखना शुरू कर दिया। स्वीटी के घर वाले अपनी बेटी से नाराज थे कि वो कैसे इतने लोगों को योग सिखाएंगी और ये सब करने की जरूरत ही क्या है, लेकिन स्वीटी नहीं मानी। कुछ समय रूठना मनाना चला, जिसके बाद घर वाले मान ही गए। स्वीटी ने क्लासेस लेना शुरू किया। उनकी लाइफ में अनुष्का बनने तक और उसके बाद का सफर एक फ्लो की तरह चला है, जैसे सब कुछ बस होता चला गया हो, ऐसा वो खुद मानती है। उनकी योग क्लासेस में 2 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से एक ने तो मनोज वाजपेयी को गुस्सा दिला दिया था, नहीं रियल में नहीं, रील पर। शूल के डायरेक्टर ईश्वर निवास और उनकी पत्नी रेगुलर तौर पर स्वीटी की क्लासेस अटेंड करते। ईश्वर निवास के जरिए उन्हें पता चला पुरी जगन्नाथ के बारे में, जो उस दौरान एक नई फिल्म पर काम कर रहे थे और उसके लिए उन्हें एक फ्रेश फीमेल फेस की जरूरत थी। ईश्वर और उनकी पत्नी स्वीटी के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने स्वीटी से कहा कि उन्हें पुरी की फिल्म के लिए ट्राई करना चाहिए। स्वीटी को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी तो थी नहीं, नहीं कोई ट्रेनिंग हासिल थी, इसलिए उन्होंने हाँ करके टाल दिया। कास्टिंग वाली बात स्वीटी के गुरु भरत तक पहुंचे, वो भी उन्हें मनाने में लग गए कि कम से कम पुरी जगन्नाथ से बात तो करके देखो। सबको हाँ करके टालने के बाद स्वीटी ने पुरी से मिलने का सोचा। मिलने पर पुरी ने उनसे उनके पोर्टफोलियो से कोई फोटो मंगवाई। स्वीटी इस दुनिया और इसकी टर्मिनोलॉजी से बिल्कुल अनजान थी। उन्होंने सीधा अपने पर्स से एक पासपोर्ट फोटो निकालकर पुरी साहब के हाथ में दे दी। ऐसा जेस्चर देखकर पुरी हंसने लगे और स्वीटी को हैदराबाद आकर मिलने के लिए कहा। स्वीटी की जिम्मेदारी सिर्फ पुरी जगन्नाथ को दी गई कमिटमेंट ही नहीं थी, उनके लिए योग क्लासेस भी जरूरी थी। उस दौरान वो मुंबई में रहा करती थी, अपनी क्लास का काम निपटाकर हैदराबाद पहुंची। पुरी जगन्नाथ की इस नई फिल्म में बतौर लीड नागार्जुन थे, जो उस दौरान हैदराबाद में ही थे अपनी फिल्म मास की शूटिंग के वास्ते, जिसे हम मेरी जंग के नाम से पहचानते हैं। स्वीटी को लगा कि उन्हें बस मिलने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन हैदराबाद पहुंचने पर पता चला कि उनका लुक टेस्ट होना है। मेकअप लगाया गया, स्टिल फोटोज के लिए पोज करने को कहा गया। स्वीटी सब में कच्ची थी, उनसे कोई चिन अप करने को कहता तो गर्दन को स्ट्रेच करके ऊपर तक ले जाती, जिसे देख यूनिट के लोग हंसने लगते। डांस करने को कहा गया, यहां भी स्वीटी का हाथ तंग था, ऊपर से इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करने में शर्मा भी गई। उन्हें लगा कि जैसा अनुभव रहा है ना, उस हिसाब से तो कोई सिलेक्ट नहीं करने वाला, लेकिन उनका सोचना गलत निकला। उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। नागार्जुन को लगा कि भले ही ये लड़की नहीं है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है, अगर हम इसे चांस नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। पुरी जगन्नाथ की फिल्म का नाम था सुपर, जहां नागार्जुन के साथ लीड में 2 एक्ट्रेसेस थी,
स्वीटी और आयशा टाकिया। फिल्म पर काम करते वक्त स्वीटी को अपना नाम अजीब लगने लगा था। एक्टर्स आमतौर पर अलग स्क्रीन नेम रखते हैं, उन्होंने भी रख डाला। अब वो स्वीटी की जगह अनुष्का शेट्टी बन चुकी थी। अनुष्का मानती है कि उन्हें उस वक्त एक्टिंग का ए भी समझ में नहीं आता था, इसीलिए जैसा डायरेक्टर कहता वैसा ही कर डालती। वास्तविकता में सुपर में उन्हें एक्टिंग के लिए साइन भी नहीं किया गया था, उन्हें फिल्म में बस ग्लैमर टूल के तौर पर दिखाया गया। फिल्म रिलीज हुई जिसके बाद हर क्रिटिक के कॉलम में एक ही बात कि सुपर में अनुष्का अपनी एक्टिंग दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बॉडी दिखाने के लिए थी। सुपर के बाद आई महानंदी, इसका हाल भी ऐसा ही हुआ। कुल मिलाकर अनुष्का को सिर्फ ग्लैमर अपील बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें फिर से अपने योगा टीचर वाले करियर पर फोकस करना होगा, लौटना पड़ेगा। वापस मुड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर उस एक कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो कॉल था SS राजामौली का, जो अनुष्का को अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। फिल्म थी विक्रमारकुडू, जो अनुष्का के डूबते फिल्मी करियर के लिए संजीवनी साबित हुई। ऐसा नहीं था कि फिल्म पर काम करने के दौरान अनुष्का एक उम्दा एक्टर बन चुकी थी, उनका एक पक्ष अभी भी कमजोर था, इसीलिए वो डायरेक्टर राजामौली को अपने सीन्स इनएक्ट करने को कहती थी और फिर जैसा राजामौली करते वो उनकी नकल कर लेती। विक्रमारकुडू ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया था। फिल्म का क्रेज ऐसा रहा कि नॉन पैन इंडिया वाले दौर में इसे कन्नड़, तमिल, बंगाली और हिंदी में भी बनाया गया। अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौड़ इसका हिंदी रीमेक थी। विक्रमारकुडू इसके बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अनुष्का की जगह मजबूत हो गई। उनकी तरफ आने वाले फिल्म ऑफर्स का ग्राफ ऊपर जाने लगा था। विक्रमारकुडू के बाद अनुष्का को बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने के मौके मिलते रहे। उन्होंने चिरंजीवी की फिल्म स्टालिन में कैमियो किया, नागार्जुन के साथ फिर नजर आई फिल्म डॉन में, नंदमुरी बालकृष्ण के साथ ओका मगाड़ू में काम किया। लेकिन ये सभी फिल्में ऐसी थी कि यहां अगर अनुष्का की जगह कोई और एक्ट्रेस भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मतलब इन फिल्मों के किरदार खास उनके लिए नहीं लिखे गए थे, कहना गलत नहीं होगा, पर वो यहां सिर्फ ग्लैमर अपील के लिए थी। लेकिन ये सिलसिला भी खत्म होने वाला था। वो फिल्म आने वाली थी जिसके बाद राइटर्स खास अनुष्का को ध्यान में रखकर किरदार लिखने वाले थे। साल 2009 जनवरी का महीना अरुंधति सिनेमाघरों पर रिलीज हुई एक हीरोइन सेंट्रिक फिल्म। उन दिनों कमर्शियल तेलुगु सिनेमा में एक फीमेल एक्टर को लीड बनाकर रची गई कहानियां आम नहीं थी। अरुंधति में अनुष्का ने डबल रोल निभाया, जय जम्मा और उसकी वंशज अरुंधति का। करीब 13 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस हॉरर फैंटेसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बाकी फिल्मों की क्लास लगा दी। 70 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, उस साल की सबसे कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई, जिस इंडस्ट्री को चलाने का जिम्मा अब तक मेल सुपरस्टार्स के हिस्से माना जाता था, वहां अनुष्का ने पूरा का पूरा सिस्टम हिला डाला। ऑडियंस पर भी अरुंधति का रंग खूब गाढ़ा चढ़ा। अनुष्का बताती है कि फिल्म के बाद बच्चे उन्हें जय जम्मा कहकर उनके पास आते थे, बुलाते थे। वो अरुंधति ही थी जिसने अनुष्का को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। जो क्रिटिक्स अब तक अनुष्का को सिर्फ ग्लैमर डॉल की तरह देख रहे थे, उनके भी सुर बदल गए। उन्होंने अरुंधति को पूरी तरह अनुष्का शेट्टी की फिल्म बताया, फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को उनका बेस्ट काम बताया। अरुंधति की कामयाबी ने एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर भेजा कि महिलाओं को सिर्फ प्रॉप की तरह नहीं समझा जा सकता, वो आगे आकर लीड कर सकती हैं और बॉक्स ऑफिस रेज भी बन सकती हैं। 2006 में आर माधवन की फिल्म आई रेंडू, वो फिल्म जिससे अनुष्का ने तमिल सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की। उसके करीब 3 साल बाद उन्होंने अपनी दूसरी तमिल फिल्म में काम किया विजय के साथ। फिल्म थी वेत्तई कारण। अपने कंटेम्प्रेरी एक्टर्स के मुकाबले अनुष्का ने बहुत कम फिल्में की हैं। तेलुगु सिनेमा से शुरुआत करने के बाद तेलुगु फिल्मों ने ही उन्हें व्यस्त रखा। यही वजह है कि ज्यादा तमिल या किसी और भाषा की फिल्में करने का टाइम नहीं मिल पाया। फिल्म इंडस्ट्री में अनुष्का की इमेज अपने काम से काम रखने वाली एक्ट्रेस की है, यानी जो विवादों में नहीं पड़ती। लेकिन उनके करियर की एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी तमिल सिनेमा की ही देन है। वो तमिल सिनेमा जहां उन्होंने बस चुनिंदा फिल्में की। हुआ यूं कि अनुष्का कार्ति की फिल्म एलेक्स पांडियन की शूटिंग कर रही थी, तभी वहां तमिल फिल्म वर्कर्स यूनियन के करीब 30 मेंबर पहुंच गए गुस्से में। उनको आपत्ति ये थी कि अनुष्का एक तमिल फिल्म में काम कर रही हैं और उनका मेकअप आर्टिस्ट दूसरे स्टेट का है, ऐसा नहीं चलेगा, या तो कोई तमिल आर्टिस्ट हायर करो वरना अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोलो कि अपना नाम गिल्ड में रजिस्टर कराए। अनुष्का के मेकअप आर्टिस्ट और यूनियन का पंगा पिछले कुछ समय से चल रहा था।
जब यूनियन की बात नहीं मानी गई तो वो सेट पर आ धमके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कार्तिक बीच में आए, उन्होंने यूनियन के लोगों को समझाया, साथ ही अनुष्का के मेकअप आर्टिस्ट को फिल्म सेट छोड़कर जाने को कहा। बताया जाता है कि इस पूरे वाक्य से अनुष्का बहुत हर्ट हुई, यूनियन वालों की धमकी सुनकर उन्हें रोना आ गया, जिसके बाद कार्ती ने उन्हें समझाया। अनुष्का ने किसी और मेकअप आर्टिस्ट को हायर नहीं किया और आगे अपना मेकअप खुद ही किया। इंडियन सिनेमा को इस सदी की सबसे बड़ी और यादगार फिल्में दी SS राजामौली ने। बाहुबली सीरीज, जिसके हर एक पहलू के बारे में पहले ही कितना कुछ लिखा और कहा जा चुका है। 2015 में आई बाहुबली द बिगिनिंग में अनुष्का की देवसेना का ज्यादा रोल नहीं था। पूरी फिल्म भल्लाल देव की कैद में रही, बाद में महेंद्र बाहुबली आकर छुड़ा ले जाता है, बस इतना सा रोल था। उनके किरदार की असली परीक्षा होती है बाहुबली द कंक्लूजन में, जहां देवसेना को तीरंदाजी करते लड़ते हुए दिखाया गया। देवसेना का कैरेक्टर कितना प्रोग्रेसिव था उसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि वो भल्लाल देव की शादी के रिश्ते को रिजेक्ट कर अपनी पसंद से शादी करना चाहती थी। एक्शन फिल्म में अनुष्का अपने ज्यादातर स्टंट्स खुद ही करती हैं, यहां भी उन्होंने ऐसा ही किया। पूरी तरह देवसेना के अवतार में ढलने के लिए उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाना सीखा, अपनी डाइट पर काम किया, कार्ब कम करके हाई प्रोटीन डाइट अडॉप्ट की। फिल्म के लिए अनुष्का को अपना वेट कम करना था, उनके लिए स्पेशल 45 मिनट डेली वर्कआउट डिजाइन किया गया। अनुष्का ने पूरी डेडिकेशन से काम किया और नतीजा सबके सामने है, लेकिन अपनी इसी ओवर द टॉप डेडिकेशन का उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हुआ यूं कि 2019 में चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन, विजय सेतुपति, सुदीप स्टारर एक पीरियड ड्रामा फिल्म आई थी सायरा नरसिम्हा रेड्डी, एक बड़े बजट की फिल्म जहां अनुष्का को सिर्फ केमियो करना था। उनके किरदार का एक एक्शन सीक्वेंस था जिसे उन्होंने खुद ही शूट करने का फैसला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स दावे करने लगी कि स्टंट करने के दौरान अनुष्का बुरी तरह चोटिल हो गई, यहां तक कि उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। हालांकि कुछ समय बाद अनुष्का और उनकी टीम ने इन खबरों को खंडन करते हुए मतलब बिल्कुल मना कर दिया, सामने आए। लेकिन मीडिया का ये बड़ा तबका यही कहता रहा कि अनुष्का की इंजरी वाली बात को छुपाया जा रहा है। आप फिल्में किस हिसाब से चुनती हैं? अनुष्का से जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने हमेशा एक ही जवाब दिया, वो फिल्में हमेशा अपने लिए करती हैं। किसी फिल्म में उन्हें किसी एक्टर के साथ काम करना होता है, तो किसी दूसरे में किसी खास डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ काम करना होता है, वरना अगर किसी फिल्म से कोई टेक्नीशियन जुड़ा होता है जिसके साथ काम करने की इच्छा है, तब भी वो उस फिल्म को हाँ बोल देती हैं। उनकी फिल्मोग्राफी में 100-200 फिल्में नहीं शामिल हैं, लेकिन जितनी भी हैं वो उनके पसंद का काम करती हैं। उनकी फिल्मोग्राफी की कुछ हाइलाइटिंग फिल्मों के बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले बिल्ला 2009 में आई थी, जब प्रभास और अनुष्का बाहुबली और देवसेना बनकर साथ लड़ नहीं रहे थे, तब वो बिल्ला और माया बने घूम रहे थे, एक गैंगस्टर और उनकी लव इंटरेस्ट। बिल्ला किसी भी एंगल से महान फिल्म नहीं, यहां भी अनुष्का को ग्लैमर अपील बढ़ाने के लिए रखा गया। अरुंधति के बाद आई बिल्ला में अनुष्का का ट्रांजिशन देख फैंस हैरान थे, लेकिन वो बिल्ला ही थी जिसकी वजह से अनुष्का को ऑब्जेक्टिफिकेशन का सब्जेक्ट बनना पड़ा, सिर्फ आम जनता से ही नहीं बल्कि फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े लोगों से भी। अली नाम के एक एक्टर हैं, IMDB की माने तो करीब 400 फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने एक इवेंट पे अनुष्का को लेकर भद्दा कमेंट किया जिसका कॉन्टेक्स्ट बिल्ला ही था। अली ने कहा कि अनुष्का एक गर्म जलेबी है जिसे हर कोई खाना चाहता है, उनकी जांघों पर कमेंट किया। कोई बड़ा एक्टर किसी महिला के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो भी पब्लिक स्टेज पर, ये हमारी सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। अली की कड़ी आलोचना हुई जिसके बाद उन्होंने अपने कमेंट्स के लिए माफी भी मांगी। दूसरी है वेदम जो 2010 में आई, अनुष्का के करियर का पहला एक्सपेरिमेंटल रोल जहां उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर प्ले किया। अपने रोल के बारे में उन्होंने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर क्रिश को शर्म आ रही थी, वो ठीक से कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ नहीं कर पा रहे थे, उसके इर्द गिर्द की बातें बताते गए, जिसके बाद एक पॉइंट पर अनुष्का ने पूछ लिया क्या एक वैश्या का किरदार है। नरेशन में अनुष्का को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने फिल्म साइन कर ली। फिल्म एक लो बजट प्रोडक्शन थी, क्योंकि अनुष्का को अपना किरदार इतना पसंद आया कि उन्होंने वेदम के लिए 30% फीस कम कर दी। फिल्म पर अपने काम की बदौलत उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। तीसरी थी साइज जीरो 2015 में आई फिल्म में अनुष्का के कैरेक्टर का वेट उनसे काफी ज्यादा था। मेकर्स चाहते थे कि पैडिंग की मदद से ये इफेक्ट क्रिएट किया जाए, लेकिन अनुष्का ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। डाइट कॉन्शियस इंडस्ट्री में उन्होंने करीब 20 किलो वेट गेन किया। फिल्म में लोगों को शिकायतें रही कि ये अपनी मैसेजिंग के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, लेकिन
अनुष्का के हिस्से सिर्फ तारीफें ही आई। वो पहले ही अपने आप को साबित कर चुकी थी। इस फिल्म ने उनकी वैल्यू एडिशन वाला काम किया। पिछले कुछ समय से अनुष्का बड़ी फिल्मों को लीड कर रही हैं, फिर चाहे वो रुद्रमा देवी हो या भागमती। यही वजह है कि उन्हें लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। वो आगे भी कमाल काम करती रहेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। बाकी आज के मैटनी शो में इतना ही। एपिसोड से जुड़े सुझाव और शिकायतें कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।